नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीटी टीवी और आज हम आए हुए हैं आयुष ग्राम चिकित्सालय चित्रकूट में। आप पीछे मेन बिल्डिंग देख सकते हैं जहाँ पे इलाज होता है। यहाँ पे आपके शरीर में जितने भी अंग हैं, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, सबका होता है, लेकिन बस दिल तोड़ के अगर आप आएंगे तो उसका इलाज नहीं होगा। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, जब अंग्रेजी दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ़ायदा नहीं होता, तब यहाँ आते हैं आयुर्वेद में। ये मेन बिल्डिंग है और इधर आप देख सकते हैं ये है आवास, जिसमें कर्मचारी रहते हैं और स्टूडेंट रहते हैं। कक्षा 10 तक यहाँ पढ़ाई भी होती है। और इधर देख सकते हैं वो मेन सेंट्रल लाइब्रेरी है, उसके पीछे डेयरी फार्म है जहाँ पे गिर प्रजाति की गाय को रखा जाता है। और यहाँ एक गाय भी है जो अभी खा रही है। और फार्म के लिए यहाँ सब्जियाँ भी लगाई गई हैं। इधर देख सकते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली को सब्जियाँ भी लगाई गई हैं और हमारे पीछे उधर चारा है जो पशुओं के लिए लगा हुआ है। तो चलिए फार्म पे और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे किस तरीके की गायें हैं, क्या है सिस्टम। चलिए ये जो आप सामने देख रहे हैं ये बना हुआ है, जो भी गाय छूटती हैं तो उनको पानी पीने के लिए बड़ा सा बना हुआ है। इसमें साफ क्लीन पानी एकदम भरा रहता है, वो पीते हैं। और सामने वो अभी दुहाई चल रहा है, सुबह का टाइम है तो अंदर अभी नहीं जा सकते हम लोग क्योंकि वो डिस्टर्ब होंगी गायें। तो अगर दुहाई जब हो जाएगी तो उसके बाद मैं अंदर जाके आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी गायें हैं। तो अभी इंतज़ार करते हैं फिर चलते हैं। तो ये हरियाणा है देख सकते हैं, उसके बाद ये भी हरियाणा गाय है और ये साहिवाल है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे गाय रखी हुई हैं, ये भी साहिवाल है। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घूमा और देखा और मैं इन लोगों से पूछा कि गाय हीट में कैसे आती है, उसको कैसे आप पता करते हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे गाय जब हीट में आती है तो उसके लिए इन्होंने एक टीजर बुल रखा है, मतलब कि बधिया किया हुआ सांड है। तो उसके पुट्ठे पे वो स्याही लगा देते हैं, उसके बाद फिर वो झुंड में छोड़ देते हैं। तो गाय के ऊपर, जिस गाय के ऊपर भी वो चढ़ता है तो स्याही गाय के ऊपर लग जाती है, तो वो पता कर लेते हैं कि ऐसे हीट में है कि नहीं है। और ये देख सकते हैं ये गिर नस्ल की गाय हैं जो सामने जा रही हैं, प्योर गिर हैं। तो गिर गाय के बारे में बता दूं कि ये दक्षिणी काठियावाड़ के गिर वन में पाई जाती हैं और इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब क्षेत्रों में भी इन्हें पाला जाता है। इनकी जो सींग होती है वो अर्धचंद्राकार आधे चांद की तरह दिखाई देती है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो काफ़ी अच्छा फार्म था, बढ़िया था। और ये सामने इनके यहाँ दो दो जो सांड हैं जिससे वो प्रजनन करवाते हैं वो गिर प्रजाति के हैं। ये सामने वाला आप जो देख रहे हैं उधर बैठा हुआ है तो वो भी गिर नस्ल का ही है। तो दो सांड इन्होंने गिर नस्ल का रखा है और एक साहिवाल का रखा है। ये एआई नहीं करवाते हैं यहाँ पे, इससे ही से ही ये प्रजनन करवाते, काफ़ी अच्छा है। ये बैठा हुआ है अभी, हम जैसे ही जा रहे हैं यहाँ पर, इनको खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठे रहिए, लेकिन ये खड़े हो गए हैं, काफ़ी सब भी दिख रहे हैं। तो ये कुछ देख सकते हैं इस तरीके से ये हैवी सांड दिखाई दे रहा है। तो तीन तरीके के सांड होते हैं, आप जानते हैं, एक टीचर होता है, एक सांड होता है और एक बैल होता है। तो सांड जो होते हैं वो प्रजनन का काम करते हैं, बैल जो है कृषि कार्य करते हैं। और ये सामने जो मशीन है उसे चारा काटते हैं, फिर इसको मिलाते हैं तो कुछ भूसा ऐसा बन जाता है। भूसा और चारा इस मशीन के अंदर डालते हैं, इसके बाद वो मशीन लाइट से चलती है, दोनों को आपस में मिक्स करती है अच्छे से। अंदर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, भैया इसको थोड़ा सा हटा दीजिए तो देखते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं कुछ इसमें ऐसा लगा हुआ है, इसमें भूसा और चारा जो होता है दोनों डालते हैं साथ में, फिर वो मिक्स करके निकाल देता है बाहर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेड टू हेड सिस्टम चल रहा है, जो गाय रखने का हेड टू हेड सिस्टम होता है वो है। और मतलब कि यहाँ पे हर एक, जैसे जो मेंजर है उसके जस्ट बगल में नमक रखा हुआ था, बड़ा सा सेंधा नमक का बड़ा सा वो रखा रहता है। गाय नमक खाती है और वो फिर उसी को नमक को चाटती रहती है। और मैंने इनसे पूछा कि कितने लीटर दूध देती है गाय, तो उन्होंने बताया कि 8 से 10 लीटर गिर जो गाय है एक टाइम सुबह और शाम दोनों में 8 से 10 लीटर वो दूध देती है, सुबह 8 लीटर और शाम को 8 लीटर इस तरीके से। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा फार्म था और ये सब देख सकते हैं, ये सब सारी गिर की ही बच्चियाँ हैं और काफ़ी शांत स्वभाव की होती हैं। इसे आप पास में जाके टच करिए वो मारेंगी नहीं आपको,
और इनकी स्किन काफ़ी स्मूथ होती है, काफ़ी चिकनी होती है, एकदम बढ़िया। तो इस तरीके से कुछ गिर का ये टोटली फॉर्म था। और इसके बाद मैंने इनसे पूछा कि आप गोबर का क्या करते हैं, जो गोबर निकलता है। तो उन्होंने बताया कि गोबर का हम लोग खाद का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग उससे गोबर गैस तैयार करते हैं। तो गोबर गैस तैयार करते हैं, फिर उससे जो स्लरी मटेरियल बचता है उसका फिर खेत में इस्तेमाल करते हैं। तो गोबर गैस कैसे तैयार करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये इसी दिन मैंने वीडियो भी उसका बनाया था, लेकिन इस वीडियो को मैं गोबर गैस कैसे बनाते हैं उसको अगले पार्ट में मैं डालूँगा। तब तक लिए आप चैनल पर अगर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। उधर ये देख सकते हैं, ये गोबर गैस का प्लांट है। और तो उस साइड 20 यूनिट इसके लगे हुए थे। किस तरीके से सारा काम करता है, प्रोसेस करता है, कितना गैस निकलती है, कितना कॉस्ट आता है, सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए चलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।